तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और रोज मिल चुका है, सो आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से। सामने देखिए मेट्रो लाइन वन भी देख सकते हैं आप लोग। तो यही मैं कह रहा था कि मेट्रो लाइन वन जो कि घाटकोपर से वर्सोवा है, और आप उतर सकते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, आप गुंडावली स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हो धईसर जाने के लिए। योगेश सोलंकी तो ये पहला ट्रैवलर है ट्रेन का टिकट निकाला, तो हिस्ट्री में इसका नाम दर्ज हो चुका है। ये एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखी है, आमची मेट्रो, आमची माय बाइक। हेलो दोस्तों, मैं तेजस मालव, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मैंडरिन ब्लॉग्स में। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइन 2A और लाइन 7 के पूरे डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो फेज वन का वीडियो था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी जरूर एक बार देख लीजिए आप। तो आज का वीडियो बिगिन करते हैं। तो अभी हम लोग गुंडावली स्टेशन के नीचे है, जो कि लाइन 7 में आता है। तो मेट्रो लाइन 1 से जो भी ट्रैवल करते हैं, यानी घाटकोपर से वर्सोवा मेट्रो में जो भी ट्रैवल करते हैं, उन लोग को इजीली गुंडावली स्टेशन पे आप आ सकते हो। तो अभी उन्होंने जस्ट कहा कि मेट्रो 4 बजे शुरू होने वाली है, तो अभी दोपहर का टाइम है, तो और भी 1 घंटा बाकी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल गुंडावली स्टेशन पे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि लाइन 2A धईसर से डीएन नगर होने वाली है, और लाइन 7 धईसर से गुंडावली स्टेशन, जो कि अंधेरी ईस्ट में है। और इसके पहले फेज का इनॉग्रेशन अप्रैल 2022 में ही हो गया था, तभी सीएम उद्धव ठाकरे जी थे, और उस पर मैंने ट्रैवल भी किया था। और अभी फाइनली 19 जनवरी 2023 को ये पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी है, और 20 तारीख शाम को 4 बजे से पब्लिक के लिए ये सर्विस रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो ट्रेन होने वाली है उसमें हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं। और अगर आप मेट्रो लाइन 1 से ट्रैवल कर रहे हो, यानी घाटकोपर से वर्सोवा, और आपको धईसर जाना है, तो आप गुंडावली स्टेशन उतर सकते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उतर के, और फिर आप धईसर के लिए मेट्रो पकड़ के आगे बढ़ सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन है, वो है डीएन नगर, आप उतर सकते हो, और डीएन नगर से आपको धईसर के लिए 2A की लाइन मिलेगी, और गुंडावली से आपको लाइन 7 मिलेगी। तो 19 जनवरी 2023 को इस गुंडावली स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के हस्ते। और देखिए कैसे स्टेशन को सजाया गया है फूलों से। तो ये देखिए मेट्रो लाइन 7। सो अभी तो आई थिंक ये टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, क्योंकि 4 बजे मेट्रो चालू होने वाली है, और फिलहाल अंदर मुझे मेट्रो में कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये टेस्टिंग वाली ही ट्रेन होगी डेफिनेटली। और मोदी जी यहाँ पे इनॉग्रेशन करने आए थे, तो यहाँ पे आर्टवर्क भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है, और कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और यहाँ पे देखिए पूरा आर्टवर्क किया गया है स्वच्छ भारत अभियान का भी, गो ग्रीन भी है। ये एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखी है, आमची मेट्रो, आमची माय बाइक। तो यहाँ पे तो लिखा है गेट फ्री क्रेडिट्स वर्थ ₹50, तो साइकिल्स है यहाँ पे जो कि अटैच है, और यहाँ पे भी पूरे डिटेल्स दी गए हैं, पूरा ऐप इंस्टॉल करना है, फिर कनेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे भी आ गए, तो निकालने का ट्राई कर रहे हैं, बट निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिए गए हैं। तो अभी देखिए सब लोग अंदर जा रहे हैं, तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। फर्स्ट जर्नी, ये देखिए स्टेशन को किस तरीके से सजाया गया है, और ये टिकट काउंटर है। चलिए सबसे पहले टिकट लेते हैं। धीरे-धीरे आएगा।
मेट्रो लाइन स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले टिकट लेने वाला मेरा दोस्त योगेश सोलंकी तो ये पहला ट्रैवलर है ट्रेन का टिकट निकाला, तो हिस्ट्री में इसका नाम दर्ज हो चुका है, तो इसे याद कर लीजिए, मेन मटेरियल भी बन सकता है आगे जाके। थैंक यू सो मच बड़ी बड़ी। ढाई सर के लिए टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट्स ना, रिटर्न टिकट देना। ढाई सर हाँ, कितना? रिटर्न आते समय ना दो नंबर लिखा है ना, वो रिटर्न है और वन नंबर जो है वो अभी यूज करना है, यहाँ पे एंट्री और दैसर इस्ट में एग्जिट। ठीक है, थैंक यू। तो टिकट निकल चुकी है, तो थैंक यू सो मच। तो अभी एंट्री करते हैं अंदर, और रोज मिल चुका है, सो आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से, सो खुशी हो रही है उस बात पे भी। यहाँ से अंदर चलते हैं। टिकट स्कैन करके अंदर एंट्री कर चुके हैं, और देखिए कितना अच्छी तरीके से सजाया गया है पूरा स्टेशन, अमेजिंग लग रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, तो चलते हैं ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे भी टिकट काउंटर है। सो आई एम वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैवलर्स, टिकट के साथ फूल भी मिला है, और मैं अभी हूँ गुंडावली स्टेशन पे। दहीसर से रिटर्न जर्नी करने वाले हम लोग। सो ट्रेन की टाइमिंग तो 4 बजे और 10 मिनट बाकी है, तो ट्रेन का वेट करते फिलहाल। तो यहाँ पे भी देखिए इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान बताया गया है, तो सेफ्टी के लिए तो सब एकदम बढ़िया। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की वजह से आपको और भी जो मेट्रो लाइन्स है मतलब उनसे भी आपको हेल्प हो सकती है इस प्रोजेक्ट की वजह से, जैसे कि मेट्रो लाइन 1, मेट्रो लाइन 6 जो कि कनेक्ट करेंगे एंड में। सो हर मेट्रो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली है, ताकि यात्रियों के लिए वो एकदम आसान हो जाए और इजी हो जाए ट्रैवल करने के लिए। और सामने देखिए मेट्रो लाइन 1 भी देख सकते हैं आप लोग, तो यही मैं कह रहा था कि मेट्रो लाइन 1 जो कि घाटकोपर से वर्सोवा है, और आप उतर सकते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, आप गुंडावली स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हो थाईसर जाने के लिए। तो आई थिंक ये मेट्रो आ चुकी है, 4 बजने के लिए सिर्फ 4 मिनट बाकी है। ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइवर नहीं दिखेगा, तो ड्राइवर लेस ट्रेन है। ट्रेन आ चुकी है, ये पहली मेट्रो है, तो इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए पूरी मेट्रो, और ये जो कलर है ये रेड है जो कि डिफाइन करता है रेड लाइन को, और लास्ट टाइम हमने 2A से ट्रैवल किया था जो कि येलो लाइन है, और आपको कलर्स भी येलो ही दिखेंगे। तो डोर क्लोज हो चुके हैं, जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मेट्रो की स्पीड की मैं बात करूँ, तो मेट्रो की स्पीड अभी होने वाली है लगभग 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मेट्रो भागने वाली है, और आने वाले समय में ये स्पीड बढ़ भी सकती है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। और जब भी डोर ओपन होगा उस वक्त अलार्म बजता ही है। तो दहीसर पहुंच चुका हूं मैं, और टोटल जर्नी गुंडावली से दहीसर से
जो जर्नी की जो डिस्टेंस है वो लगभग 35 से 30 मिनट्स के बीच में है। तो अभी हम लोग को वापस गुंडावली स्टेशन जाना है, तो क्रॉस करके हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। तो ये ट्रेन तो निकल चुकी है। सो अभी वापस रिटर्न जर्नी कर रहा हूँ मैं गुंडावली स्टेशन के लिए, जिसका रिटर्न टिकट मैंने निकाला था। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है कि टिकट की प्राइसेस बहुत ही कम है, 30 रुपये सिंगल है गुंडावली से दहीसर, और रिटर्न 60 रुपीज है टिकट के प्राइस। तो एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये भले ही 2A और लाइन 7 दोनों अलग अलग लाइन है, लेकिन जो ट्रेन गुंडावली स्टेशन से चलने वाली है वो अंधेरी वेस्ट तक जाएगी, और वैसे ही वाइस वर्सा होने वाला है दोनों लाइन में, लाइन 2A और लाइन 7। और ज़्यादा टाइम मुझे मेट्रो के लिए रुकना नहीं पड़ा, गुंडावली के लिए मेट्रो आ चुकी है। सो ट्रेन आ चुकी है रिटर्न जर्नी गुंडावली के लिए। सो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स। और यहाँ पे साइकिल रखने के लिए भी जगह है, और देखिए किस तरीके से साइकिल रखी गई है। सो गिरेगी नहीं आपकी साइकिल, बिल्कुल भी सेफ होगी। आपको यहाँ से इस तरीके से रखना होगा साइकिल को। और ट्रेन तो अभी फिलहाल खाली है, दोपहर का वक्त है। आई थिंक मंडे से आपको भीड़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी इस ट्रेन से। और ये जो अलार्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को पता चल सके कि डोर्स ओपन होने वाले हैं। और दोस्तों हर कोच के एक सीट के नीचे आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखेगा, और यहाँ पे देखिए इंडिकेटर भी है जहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेशन और लास्ट स्टेशन के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म भी है, और इस स्क्रीन पे आप पूरा लाइन 2A और लाइन 7 की सारे स्टेशन की डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे CCTV कैमराज भी है, स्पीकर्स भी है अनाउंसमेंट के लिए, फायर अलार्म है, यहाँ पे 230 वॉट्स का मोबाइल चार्जिंग भी दिया गया है। और इसके साथ साथ ये खूबसूरत व्यू भी आपको देखते हो, और क्या चाहिए बॉस। और यहाँ की कूलिंग की क्या बात करूँ, कूलिंग बहुत ही अच्छी है। आपको यही एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप सोफेस्टिकेटेडली ट्रैवल कर सकते हो, और प्राइजेस भी बहुत कम है। सो फाइनली रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, गुंडावली स्टेशन पे है, मैं वापस आ चुका हूँ। और 60 मिनट से भी ज़्यादा मैंने ट्रेन में बिताया है। और नॉर्मली अगर आप दादर से दहीसर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 45 मिनट से एक घंटा भी लग सकता है। वहीं पे अगर आप गुंडावली से ट्रैवल करते हो तो 35 मिनट्स के अंदर आप दहीसर स्टेशन पहुंच जाते हो। और यही मकसद है मेट्रो का, आपको आपके डेस्टिनेशन पे बहुत ही तेज़ी से पहुंचाने का। ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आने वाला है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को MMRDA के अंदर बनाया जाना है। MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 दोनों भी अलग अलग लाइन्स है, लेकिन एक पैरेलल लाइन्स है जो एक ही दिशा में जा रही है। और इन लाइन्स का मकसद ही यही है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और सबर्ब्स का जो ट्रैफिक है उसको टोटली डाइवर्ट करना है इन मेट्रो से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है तो 15% तक की लोकल ट्रेन की भीड़ कम की जा सकती है, क्योंकि इस ट्रेन में टोटल 6 कोचेस होने वाले हैं, जिसमें एक वक्त पे 300 से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। और इसकी डेली दिन की कैपेसिटी जो पैसेंजर्स की होगी वो 300,000 तक जा सकती है, और आने वाले 10 सालों में ये कैपेसिटी 1,100,000 तक भी जा सकती है। मेट्रो के जो नए कोचेज़ हैं वो BEML कंपनी ने बनाए हैं। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। लाइन 2A की लेंथ 18 किलोमीटर होने वाली है 17 स्टेशन के साथ, और लाइन 7 की लेंथ 16 किलोमीटर होने वाली है 13 मेट्रो स्टेशन के साथ। हर ट्रेन के बीच में का जो टाइमिंग है, मतलब इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, वो 6 से 8 मिनट के बीच में होने वाली है। और जो पहली ट्रेन है वो सुबह 6 बजे और लास्ट ट्रेन रात को 9:30 बजे चलने वाली है। और ये आगे जाके टाइमिंग्स में चेंजेस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी उसके हिसाब से। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,600 करोड़ रुपये होने वाली है, और ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों MMRDA ऐसा दावा करता है कि ये रूट रोड ट्रैवल्स को 50-70% तक कम कर सकता है, और ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों जैसे लोकल ट्रेन्स ने अपनी जड़ें फैलाई है, वैसे ही मेट्रोज भी अपनी जड़ें फैलाने आ रहा है। और मुंबई लोकल जो कि आम जनता की लाइफलाइन माना जाता है, तो वैसे ही मेट्रोज भी आ रहे हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए
मुंबई मेट्रो में ट्रैवल करने वाले लोगों को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।